मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 5, तो चलता हूँ। ये देखिए, थोड़ा ग्रास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं मेरे प्लांट में, तो उसका कटिंग करना है। तो आई हैव टेकन माई इंस्ट्रूमेंट, एंड उससे पहले मैं थोड़ा छत पे जाता हूँ। छत पे जाकर देखता हूँ, वहाँ भी कुछ कुछ प्लांट्स है, तो क्या कंडीशन है उन प्लांट्स की। और ये सब देखिए, ये छोटे छोटे पोर्च लगा का सारी की सारी सीढ़ी पर लगा दिया हूँ। आइसक्रीम का गाड़ मिलता है उसमें, कुल्लड़ और दिए के कुछ थे तो उसमें भी लगाया हूँ। और ये है कुछ नज़ारा हमारे घर के अगल बगल का। गुड मॉर्निंग। ये है पोर्चुला का और ये कैक्टस। मम्मी वहाँ सुबह 1-5 बजे उठ के बैठी हुई है चापाकल के पास, थोड़ा सा अपना मकई को देख ली, भुट्टा को, मक्का इधर उधर थोड़ा चेक कर ली, उसके बाद आके बैठी हुई है चापाकल के पास। और है त्रित कुमारी और एलोवेरा। और ये है, यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती रहती हैं इसके फूल में। दिस पर्पल हार्ट, इसके फूल बहुत ही अच्छे होते हैं। और कुर्सी जैसे तैसे गिरा। और ये मेरे शादी का चुकनी है। दिस इज सेम फ्लावर पोस्ट लाइक कैक्टस एंड दिस वन इज आई थिंक आई फॉरगेट इट्स नेम, मे बी क्या हो सकता है इसका नाम, मेरी छोटी बहन को पता है क्या नाम था यार, मैं तो भूल ही गया। खैर कोई नहीं, यस आई रिमेंबर इट्स नेम। ये है रजनीगंधा। और यहाँ पे एक और फ्लावर देख रहे हैं कैक्टस के बगल में, ये है नीलकंठ। और यहाँ चूँकि ये गांव है तो बालू का खनन, और हाँ बालू का ही खनन बहुत ही तेज़ों से होती है जंगलों में, नदियों में। तो देखिए ये सब ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जा रही है। तो गाइस चलो अब नीचे चलते हैं, उधर भी कुछ फ्लावर्स है, साइड में भी लगाए हैं, कल रात को ही लगाए हैं। यहाँ जो एलोवेरा देख रहे हैं, ये एलोवेरा मैं उधर पे जाके लगाया हूँ, उस दो जगह पे जहाँ चिकना चिकना दिख रहा है, तो वहाँ भी जाके चेक करता हूँ। और नीचे जाने के पहले मैं थोड़ा इसका कटिंग, मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि नीचे में जाके लगानी है, तो इस तरह कुछ काट लेना है यहाँ पे, फिर से ग्रो कर जाएगी। बस इतना काफ़ी है, आगे जाके लगानी है, वैसे तो 3-4 बार लगाया हूँ। और लगभग ये सारी की सारी कटिंग मैं निकाल ली हूँ और आगे जाके लगाऊंगा। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने मन से कुछ कर नहीं पाओगे। अभी जा रहा हूँ मैं आलू भुजिया काटने, तो भुजिया काट के आलू काट के आलू का कटिंग करके उसके बाद मैं जाता हूँ ये सब को लगाने। तब तक बने रहिए ब्लॉग के साथ। और ये रहा मेरा आलू जो कि अपने ही ज़मीन पर उगाया गया था, इसमें से लगभग 1 साल हो गए तो बहुत कुछ ख़राब हो गए आलू, तो इसका कटिंग करके अभी जस्ट जाना है। गाइस मैंने आलू का कटिंग कर लिया, बहुत सारे ख़राब आलू निकले हैं, और ये प्याज की कटिंग कर रही है। अब चलते हैं इसको लेके आगे लगाने के लिए। इससे पहले मैं अपनी चप्पल पहन लूँ, इसमें फ्लावर बहुत मस्त होते हैं ये सबों में। ये रहा बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह। ये विंग का फ्लावर, कॉक्स फॉर्म, यहाँ पे गावा, तुलसी का पौधा, मैरीगोल्ड, सारी की सारी यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा पौधा यही है कॉक्स फॉर्म। अभी ये है मोगरा का, इसके फ्लावर का इतना स्मेल, इतना मस्त है, क्या बताएगा। सबसे यहाँ पे जितने सारे फ्लावर, सबसे ज़्यादा स्मेल इसी में ही आता है, मोगरा में। मेरा छोटा सा गार्डन, तो यहाँ पे देख ही रहे होगा इस एलोवेरा की खेती।
खेती नहीं, मतलब कुछ एलोवेरा लगाई है मेरी छोटी बहन, इधर भी लगाई है इन सबों में। तो अभी जाना है उधर की ओर, तो चलते हैं। और इस फ्लावर का नाम क्या है पता नहीं, भूल गया हूँ। दिस इज हिबिस्कस, जावाफुल। ये सब जो पौधे हैं ये सब मैं दिखाता हूँ, इधर बहुत सारा लगाया हूँ लेकिन सब मर जाते हैं। इधर पे मैंने लगाया हूँ स्नेक प्लांट, देख ही रहे हो स्नेक प्लांट है ये मैरीगोल्ड। और यहाँ पे मम्मी कुछ दाना लगाई है, किसी झींगा का होगा नहीं तो खाने वाला। और यहाँ पे फ्लावर्स खिलेंगे, ये कॉक्सकॉम्ब है, लाइन बाई लाइन यहाँ से वहाँ तक लगाया गया है। और पोस्टुलगा भी बहुत मस्त खिलते हैं, ये देखिए। हालांकि फूल फूल तो दे रहे हैं लेकिन लगते नहीं है ये सारी की सारी। इधर पे भिंडी लगाया है जहाँ पे गड्ढा गड्ढा दिख रहा है आपको हर एक जगह। चलता हूँ आम के पौधे की ओर। ये छोटा वाला है, सॉरी ये छोटा वाला है, ये दोनों जो है बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं अभी। हियर इज लेमन ट्री, अभी तक कुछ हुए नहीं इसमें, लगभग 1 साल के ऊपर हो गए हैं। कॉक्सकॉम और रजनीगंधा, इसका कटिंग में कुछ इस तरह कर दिया हूँ ताकि ये ब्रांचेस पे ज़्यादा कम कम ध्यान दे और अपने ऊपर वाले टहनी पे ज़्यादा ध्यान दे और इसका ग्रोथ ज़्यादा हो, लंबे हो। ये वाला भी वाइट फ्लावर है, ये सेम ब्रीड का है जो वहाँ पे चापाकल के पास था। और यहाँ पे एक ये रोजेस का प्लांट है, एक रोज है, दो और एक कहाँ गया, एक इधर है, तीन। और वो लेमन है, कमला नींबू है शायद, पता नहीं कौन सा नींबू है। और दिस वन इज, इसका नाम क्या है भूल गया हूँ सर, हाँ पत्थर चट्टा। ये मतलब स्टोन पेट में रहने से इसके जूस पीने से ठीक हो जाता है। मैरीगोल्ड, आई डोंट नो इट्स नेम, इसका नाम क्या है पता नहीं गाइस, आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा इसका नाम और इसका नाम, इन दोनों का नाम। और यहाँ पे गावा है, अमरूद का पेड़, बल्कि ये कीड़े इनके पत्ते बहुत खा चुके हैं, दवाई तो लाया हूँ मैं। और ये है मुनगा साग, और ये जो देख रहे हो आप ये है अमरलता। ये सारी जगह जो फैला हुआ है इसके लत, ये देख ही रहे हो पूरा फैल जाता है। देखिए नीम का पेड़ पूरा घेर लिया है, ये अमरलता पूरे नीम पेड़ पे है, देख रहे हो आप, इसके फल भी छोटे छोटे हैं, देख ही रहे हैं। कल या परसों ये सारी मकई की गुड़ाई, सारी की सारी खरपतवार निकाला गया है। हम 4 जने बहुत ही मेहनत से 1 सप्ताह के ऊपर लगाए थे कोड़ने में, अब लास्ट वाली बारी बची हुई है ज़मीन, लास्ट वाली जो कि लाहर का है, तो उसे अभी जाके सारी की सारी घास वास निकालना है कुदाली से। तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ऐसा भी चलते हैं वहीं पे। ये वाला पौधा देख ही रहे हो, ये है हिबिस्कस हाइब्रिड वाली है, इसके फ्लावर देखो कुछ इस तरह से होती हैं। और ये है राम तुलसी, रेड वाली तुलसी होती है। और यहाँ पे एक अनोखा गुलाब का पौधा है, ये सारी की सारी पर्पल हार्ट है, ये गुलाब का पौधा देखिए, ये तो है ही अच्छा खिलता है लेकिन इससे खतरनाक ये वाली खिलती है। और ये जस्ट अभी ग्रो हो रही है, पूरा सूख गया था। यहाँ भी सेम है, अच्छा मैं तो भूल गया शॉवल लेना भूल गया, तो चलिए उसे लेके आते पहले। और यहाँ पे मैंने कुछ बीज लगाए हैं रात को, शाम को इसके नीचे 3-4 चुगनी है, इसके अंदर देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं। ये है मेरा शॉवल छोटी वाली, और इधर पे लगा हुआ मकई, और ये है पीनट,
ये सारे के सारे पीनट लगे हुए, इधर भी लाहर लगा, लास्ट वाले में लाहर लगा हुआ है। इधर भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, कॉक्स कॉम, मैरीगोल्ड और वो पिंक वाली, क्या नाम है उसका यार, नाम ही भूल गया मैं। देख रहे हो छोटे छोटे, ये सारे की सारी लाहर का पौधा है, आधा कोड़ाई हुआ है, आधा आधा भी नहीं हुआ, आधा का आधा हुआ है, अब पूरी की पूरी बाकी ही है अभी, तो सारी की सारी कोड़ना है अभी बाकी है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं इससे पहले मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एलोवेरा वाला, तो चलिए वहाँ पे दिखा लेता हूँ। कल बनाया है, इस पर लगाऊँगा मैं सैटरडे, सैटरडे को लगाऊँगा इस पर एलोवेरा, ये सारी की सारी। एक और यहाँ पे बनाना है इस तरह, ये नीचे में, और यहाँ पे बनाया था, दिखाता हूँ मैं आपको। इस जगह पे लगभग लगा ही चुका हूँ मैं एलोवेरा, और देखिए कुछ कुछ पकड़ लिए हैं, जड़ पकड़ लिया इन लोगों का। ये देखिए ये सारी की सारी एलोवेरा ही है इस पे। और लास्ट पे उधर पे कॉक्सकॉम है, ये नीम का पौधा है। बहुत ही मस्त हवा आता है गर्मी में, यहाँ पे छाँव मिलते हैं इससे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छे से रहिए आप सभी। सो बाय गाइस, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक, हिट द लाइक बटन, थैंक।